ये सरकार के खिलाफ हमारा नहीं है, नहीं है। हाँ, नहीं। लेकिन इसके नाम पत्रकार खड़े हमारे की आए, क्या नाम है इसका, धर्मेंद्र चौधरी नाम खड़ा गया, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ मेरी यही बात दिखाना, उल्टे सीधे मत दिखा करो, जो बोलता हूँ वो दिखा करो। और मुझे दिखने का भी शौक नहीं आपकी मीडिया का ज्यादा, मैं भी आपको कह रहा बड़ी मोटी बात है, ठीक है, बड़ी साफ बात कर रहा। आपकी इच्छा दिखाना दिखाना मत दिखाना, 100% मर्जी आपकी, लेकिन मेरी बात सुनो जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हम सरकार के राज्य के खिलाफ नहीं है, हम दारू ठेका खिलवाने उसके विरोध में नहीं है, लेकिन ये आबादी के बीच में लोग ठेका नहीं होना चाहिए। ये ठेका खोला जाए कहीं दूसरी जगह खोला जाए जहाँ पर आबादी नहीं है, लेकिन ये सारी आबादी के लोग यहाँ पर खड़े हैं। हमारा विरोध यह है कि आबादी में नहीं खोला जाना चाहिए। ये सब मैं आया हूँ, मेरी पार्टी के भी सारे लोग हैं, दूसरे लोग भी यहाँ पर हैं, हमारे जिला पंचायत के मेंबर हैं, हमारे प्रधान हैं, हमारे BDC के मेंबर हैं, हमारे युवा मोर्चे के सब लोग हैं, बजरंग दल के सब लोग यहाँ खड़े हैं। लेकिन सबकी एक ही मांग है, क्यों कि आबादी से बात ठेका जाना चाहिए, मेन बात यह है। एक कमिश्नर के उनके के पास आदेश है कि यहाँ पर ठेका खोला जाना चाहिए, उन्हें फोर्स भी मुहैया करा रखी, मजिस्ट्रेट यहाँ पर बैठा है, तो क्यों नहीं वो जो आदेश करा देते हैं। हम आदेश करेंगे, मैं क्या नाम, मैं देहरादून नहीं जा पाया, मैं देहरादून जाऊंगा, क्यों जी, लेकिन मैं इनको कहने के लिए आया हूँ कि आबादी से आप ठेका कहीं और ले जाइए, आप इसको कहीं दूसरे स्थान पर खोल लीजिए, हम इसके खिलाफ नहीं है, सरकार का राजस्व आने का स्रोत है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जहाँ की बात है, मैं दारू के बहुत जन्मजात आदमी खिलाफ हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि प्रदेश तो दारू बंद, मैं चाहता हूँ, लेकिन मेरी सरकार नहीं करती, मैं ठीक है मेरे साथ, मेरी मोटी ही बात है, मैं सरकार का, मैं विधायक हूँ BJP का, हमारी सरकार है। अगर जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत की बात है, मैं खिलाफ हूँ, 100% खिलाफ हूँ, इसमें कोई दोराई की बात नहीं है, दिखाइए पूरा जहाँ दिखाना नहीं, लेवल पे दिखाइए इस बात, स्वामी जी ये मिस्टर के नाम से है, अच्छा दूसरी बात यह है सुरेश फार्म के नाम से, मिस्टरपुर के नाम पर ठेका नहीं है, हम बात कर रहे हैं, मेरा निवेदन है, बातचीत हो रही है, उसमें सुधार हो गया है। दो दिन से प्रेमनगर आश्रम के बाहर कूड़ा जस का तस पड़ा है, वो लोग अनशन पर हैं और अब तक कूड़ा नहीं उठाया गया है, निगम के जो कर्मचारी हैं वो हटाने का प्रयास किया जा रहा है, बातचीत हो रही है, सुन लेते हैं। मंत्री जी आपके आदेश के बाद जीतपुर का सराबा ठेका खुलता है, आपके विधायक आपकी पार्टी के विधायक उसे बंद करा देते हैं, ऐसे में आपका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए जहाँ जहाँ शराब की दुकानें खोली गई हैं वो जिलाधिकारी के निवर्तन में जो टारगेट उनको दिया था उनके माध्यम से चयन किया गया, और हमने जिलाधिकारियों को इस वर्ष दुकानें नहीं दी हैं बल्कि उनको रेवेन्यू का टारगेट दिया है, और उसके आधार पर जिलाधिकारी उन सभी स्थानों पर दुकानों का आवंटन करते हैं, जहां पर विवाद हो रहा है उसको जिलाधिकारी के स्तर पर सुलझाया जाता है, का राजस्व की पूर्ति कैसे, और जहां जहां विवाद होता है उसको जिलाधिकारी के स्तर पर सुलझाया जाता है, और वो चूँकि जिलाधिकारी ने उसमें अपनी संस्तुति करते हुए अपना पत्र भेजा है उसका अध्ययन विभाग के स्तर पर किया जा रहा है, उसी के लिए। लेकिन आपकी पार्टी एक विधायक को ताला उठाओ फिर रहे, वो जहाँ भी ठेका बुलावा देखते हैं वो लगा देते हैं ताला, इस विषय पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता क्या हुआ होगा, 30 से ज्यादा बच्चों की मौत जो है गोदक, ये नुकसान तो प्रति महीने हो ही रहा है, हमने राजस्व भी इसका जमा किया है, एक महीने का अधिभार भी जमा कर रखा है, दूसरे महीने में भी अधिभार जमा हुआ है, नुकसान हमें ये देखिए करोड़ों रुपए का नुकसान, इसमें हमारा पैसा जो है वो लग चुका है और वो बर्बादी की कगार पर ही है, लेकिन अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अब किस तरह की मांग करते हैं आप प्रशासन से? देखिए मांग तो अब इनको प्रशासन को देखना चाहिए, भाई माननीय विधायक जो हैं इनकी सरकार है, राजस्व जा रहा है सरकार को जा रहा है, लेकिन इसमें हम जो है माननीय आबकारी मंत्री से भी एक मुलाकात हुई थी हमारी, लेकिन वहां से भी हमें कोई भी ऐसा संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है कि जिससे हमारी दुकान खुल जाए, हम भी यही चाह रहे थे कि दुकान खुल जाए हमारी, हमारा जो पैसा लगा है वो भी हम कुछ कर पाएँ, लेकिन हमारी दुकान नहीं खुल पा रही, रोज़ाना स्थिति दिन पर दिन बदतर होती जा रही है, ऊपर से जो है विभाग हम पर नोटिस भेज रहा है पैसे का, अगर दुकान बंद है तो पैसा कहाँ से जमा हो पाएगा? कुल कितने दिन चली होगी आपकी दुकान, 3 महीने की अगर बात करें? 3 महीने की बात करें तो 10-15 दिन 15-20 दिन मुश्किल से दुकान चल पाएगी। अधिभार कितना, अधिभार आपके पास? ये 83 लाख रुपये प्रति महीने के लगभग इसका अधिभार है, और DO साहब अभी जो हैं वो हम पे नोटिस भेज रहे हैं, तो आप जमा करेंगे इस पैसे को? देखिए भाई साहब जब दुकान ही बंद है तो कहाँ से जमा करें, माननीय विधायक जी से वो इस बात को कहें दुकान खुलवाएं, शासन कहे, देखिए सरकार उनकी है, सरकार उनसे कहे, सरकार बात करे, जब सरकार ही कुछ नहीं कर पा रही तो हम लोग क्या आए,
कोई अधिकारी है इसमें कुछ नहीं कर पा रहा है, ऊपर से केवल हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। आपकी दुकान बंद है, आपका करोड़ों रुपया लगा हुआ है, फिर भी आपसे नोटिस भेजा जा रहा है पैसे वसूली करने के लिए, अब क्या करेंगे आप लोग? देखिए, अब नोटिस भेज रहे हैं हम पे, हमारी स्थिति बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, क्योंकि जो पैसा हमने उठाया था वो हमारा बिल्कुल डंप हो चुका है और हम पे बार बार नोटिस भेजे जा रहे हैं। ये स्थिति हमारी बिल्कुल ख़राब है, हमारे मरने के सिवाय स्थिति क्या बची है इसमें? कोई संज्ञान नहीं ले रहा है, शासन नहीं ले रहा है, प्रशासन नहीं ले रहा है, आबकारी विभाग नहीं ले रहा है, तो हमारी स्थिति तो केवल यही बची है कि अब हमारे पास अगर ये नोटिस बार बार भेजते हैं तो आप ही देखें कि कहाँ से हम पैसा जमा कर पाएंगे। दुकान नहीं खुलवा पा रहे हैं, ऊपर से हमें पैसे के लिए प्रेशर दिया जा रहा है कि जमा करिए, कहाँ से जमा करेंगे? हमारी स्थिति मरने की है बिल्कुल।